नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ग्रीन टी फेस पैक बताने जा रही हूँ। जो फेस पैक आपके पिंपल्स, फेस के सारे जो विकार हैं, जो फेस पर छोटे छोटे दाने हो गए हैं, उन सबको दूर करने में और आपकी त्वचा में एक अलग ही निखार लाने में आपकी मदद करेगा। ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट और ये फेस पैक बहुत ही सिंपल है बनाने में। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बेसन, जिसे हमने अच्छे से छाना हुआ है। इसके अंदर हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून कर्ड। कर्ड बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होना चाहिए। इसके अंदर उसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी को हमने, या तो आप इसे पाउच वाला ग्रीन टी ले सकते हैं, अगर आपके पास लूज़ है तो आप उसे लूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हमने 2 चम्मच ही लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच शहद। शहद आपकी त्वचा में एक अलग मॉइस्चराइज निखार लेकर आएगा। शहद वैसे भी आपने हमेशा सुना होगा कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन सब चीज़ों को हम आराम से मिक्स कर लेंगे और हमारा फेस पैक तैयार हो जाएगा। इस फेस पैक को बनाकर आप फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। इस फेस पैक को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करिए जब तक कि ये एक बिल्कुल फाइन पेस्ट के रूप में तैयार ना हो जाए और आप इसे अपने स्किन पर अच्छे से लगा पाए। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के रूप में बनेगा आपका, क्योंकि आपकी ग्रीन टी ग्रीन है। इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तो आप हल्का सा पानी, और अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप रोज़ वाटर मिला सकते हैं। मैंने रोज़ वाटर लिया है, आप चाहें तो सिंपल आरओ का पानी ले सकते हैं। अब इस फेस पे, ये फेस पैक आपका तैयार है। इसे आप अपने फेस पर लगाएं। पहले फेस को वॉश ज़रूर करें अच्छे से फेस वॉश से, उसके बाद आप इसे अपने फेस पर लगाएं और ड्राई होने तक इसको अपने फेस पर रखें और फिर ठंडे पानी से इसे धो दें। ठंडे पानी से आपकी त्वचा के जो रोम छिद्र खुल गए हैं वो आपके बंद हो जाएंगे और आपकी त्वचा में एक निखार आएगा। तो यूज़ कीजिए इस फेस पैक को। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 2 बार के इस्तेमाल से आपको अपनी त्वचा में बहुत फ़र्क लगेगा। इस फेस पैक को आप रोज़ 1 बार लगा सकते हैं, जब आपको टाइम लगे, चाहे वो सुबह हो या रात। लेकिन अगर आप रात को इसे लगाएंगे तो ये फेस पैक आपकी त्वचा में ज़्यादा काम कर पाएगा। धन्यवाद।